हाय ऑल, सो आज की हमारी वीडियो है ऑन वन ऑफ द फेमस एनिमे डेथ नोट एनिमे सीरीज 2006। ये सीरीज इतनी डिटेल्ड है कि मुझे भी इसको दो पार्ट में एक्सप्लेन करना होगा। इसकी IMDB रेटिंग है इम्प्रेसिव 9 out of 10 एंड माई एनिमे लिस्ट की रेटिंग है 8.63 out of 10। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बता दूं कि मैंने इंडियन एनिमे लवर्स के लिए फाइनली एक कम्युनिटी क्रिएट कर ली है। सो नाउ यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई डिस्कॉर्ड सर्वर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अब बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है एक डिफरेंट वर्ल्ड को दिखाते हुए, जिसको शिनिगामी रेल्म बोलते हैं। शिनिगामी यानी गॉड ऑफ डेथ। इस दुनिया में गॉड ऑफ डेथ रहते हैं। अब एक दिन रियुक, जो कि एक शिनिगामी था, अपनी शिनिगामी दुनिया से परेशान होकर एक नोटबुक इंसानों की दुनिया में डाल देता है, ताकि उसको इंसानों की दुनिया में रहने और घूमने का मौका मिल जाए। अब हम इंसानों की दुनिया में एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी को देख पाते हैं, जो कि बहुत इंटेलिजेंट था, साथ ही अपने आसपास के क्राइम और स्लोली सड़ती हुई दुनिया से परेशान था। सो लाइट और रियुक दोनों ही अलग अलग दुनिया में रहते थे, पर उनकी थिंकिंग सेम थी। उनको लगता था कि उनकी दुनिया अब रहने लायक नहीं रही और धीरे धीरे ये दुनिया सड़ रही है। नाउ नॉट टू बी वेरी सरप्राइज्ड, रियुक की फेंकी हुई डेथ नोट जो है वो लाइट को मिल जाती है, और लाइट जब उसको खोल कर पढ़ता है तो उसमें कुछ रूल्स लिखे हुए थे। रूल नंबर 1, जिस भी इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा उसको मरना होगा। रूल नंबर 2, जो इंसान ये नाम लिख रहा होगा उसको नाम लिखते वक्त उस इंसान का चेहरा माइंड में याद रखना होगा, ताकि गलती से सेम नाम के किसी दूसरे इंसान की डेथ ना हो जाए। रूल नंबर 3, नाम लिखते हैं कि 40 सेकंड के अंदर अगर कॉज ऑफ डेथ ना लिखा जाए तो इंसान हार्ट अटैक से मर जाएगा, बट अगर कॉज ऑफ डेथ लिख लिया जाए तो 6 मिनट के अंदर अंदर बाकी की डिटेल्स भी स्पेसिफाई करनी पड़ती हैं। लाइट को ऑब्वियसली ये सब बचकांड हरकतें लगती थी, पर क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया में हो रहे क्राइम से परेशान था, सो जस्ट फॉर फन, फॉर जस्ट टेस्टिंग, वो डेथ नोट में एक क्रिमिनल का नाम लिख देता है, और टू हिज वेरी सरप्राइज सच में कुछ ही सेकंड्स में उस क्रिमिनल की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। अब लाइट जान जाता है कि कितनी बड़ी और ख़तरनाक पावर उसके हाथ लग चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम लाइट का एक बदला हुआ रूप देख पाते हैं। वो डेथ नोट को पकड़ कर किसी साइको की तरह हंसे जा रहा था। तभी सीन में रियुक की एंट्री होती है, तो रियुक अब हमें बताता है कि ये डेथ नोट को जो भी टच करता है ये नोटबुक उसकी हो जाती है, और अगर लाइट ये सब नहीं चाहता तो वो बुक को किसी और को दे सकता है। पर उसके ऐसा करते ही रियुक नोटबुक से रिलेटेड लाइट की सारी मेमोरीज डिलीट कर देगा और नोटबुक किसी और की हो जाएगी। लाइट जैसे चाहे बुक को यूज़ कर सकता है, और जब लाइट के मरने की बारी आएगी तो रियुक खुद लाइट का नाम अपनी पर्सनल डेथ नोट में लिख देगा। इसके अलावा रियुक बताता है कि जिसने भी ये डेथ नोट यूज़ की हो उसको ना तो हेवन और ना ही हेल में एंट्री मिलेगी, तो वो एटर्निटी के लिए ही बीच में कहीं फंसा रह जाएगा। ह्यूमन और शिनिगामी के बीच का ये ब्रिज है डेथ नोट। ये सब जानकर लाइट और पगला जाता है और डिसाइड करता है कि वो सभी क्रिमिनल्स और क्राइम्स को इस दुनिया से ख़त्म कर देगा और एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जहां वो खुद गॉड बनेगा और कोई क्राइम और क्रिमिनल नहीं बचेंगे। सो अब लाइट क्रिमिनल्स की लिस्ट रेडी करता है, और वर्ल्ड वाइड बड़े बड़े क्रिमिनल्स की अचानक से डेथ होने लगती है। तो बात इंटरनेशनल एजेंसीज तक पहुंच जाती है, और इंटेलिजेंस को जल्द ही समझ आ जाता है कि ये सब ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मर्डर्स हैं, ना कि मेयर कोइंसिडेंसेस। तो इंटेलिजेंस वाले अपने सबसे बेस्ट और सबसे रहस्यमय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट एल को इस काम के लिए बुलाते हैं। एल एक ऐसा मिस्टीरियस ऑफिसर था जिसका ना फेस कभी किसी ने देखा था और ना उसकी असली आवाज़ कभी किसी ने सुनी थी। एल अपनी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से सबको बताता है कि ये सब जापान में ही शुरू हुआ है, तो ज़रूर ये जो मर्डरर है वो भी जापान में ही होगा। उधर आम सोसाइटी में लोग इस क्रिमिनल मर्डरर को कीरा बुलाने लगे थे, और धीरे धीरे कीरा गॉड बनने लगा था। नेक्स्ट सीन में वी कैन सी कि लाइट के टीवी पर एल का एक प्रोवोकेटिंग ब्रॉडकास्ट आता है, जिससे प्रोवोक होकर लाइट एल का नाम डेथ नोट में लिख देता है, और कुछ ही सेकंड्स में एल की मौत हो जाती है। लेकिन वो रियल एल नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल था, जिसको वैसे भी आज मरना था।
लेकिन इससे एल कीरा के बारे में बहुत कुछ जान जाता है, जैसे कि कीरा कहाँ रहता है और कैसे कीरा को नेम और फेस दोनों चाहिए किसी को मारने के लिए। इसके अलावा फर्दर इन्वेस्टिगेशन से एल ये जान पाता है कि कीरा कोई स्कूल गोइंग टीनेज स्टूडेंट है। अब इस पॉइंट पर हम परसेप्शन या थिंकिंग में क्लैश को देख पाते हैं। एक तरफ जहां लाइट, जिसको लगता था कि क्रिमिनल्स का मर्डर करना जस्टिस था, वहीं दूसरी तरफ एल, जिसके लिए मर्डर मीन्स मर्डर। डजंट मैटर उसने सिर्फ क्रिमिनल्स को मारे हो, बट मर्डर इज स्टिल अ मर्डर फॉर एल। नाउ लाइट के फादर भी एक हाई लेवल पुलिस ऑफिसर थे जो कीरा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, इसलिए लाइट को पुलिस के प्लान्स के बारे में पता चल जाता है और अब डेथ के पैटर्न में चेंजेस आने लगते हैं। तो इससे एल को भी शक होने लगता है कि ज़रूर किसी ना किसी पुलिस का भी हाथ है इस सब में। तो एल अब अपने इन्वेस्टिगेशन को पुलिस और उनके फैमिली के अराउंड मोड़ देता है। लाइट के पीछे एल एक FBI एजेंट रे को लगा देता है, बट कीरा रे को डरा धमका कर उससे सभी FBI एजेंट्स के फोटोज और रियल नेम निकलवा लेता है और फिर रे को हार्ट अटैक से मरवा देता है। अब रे की होने वाली वाइफ भी एक एक्स एजेंट थी। रे के डेथ के बाद वो भी इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर लेती है। वहीं 14 एजेंट्स के मरने के बाद FBI अपने आप को इन्वेस्टिगेशन से अलग कर लेती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ 5 ऑफिसर बचे थे विद एल एंड रेज फियांसे। यहाँ पर हम पहली बार एल को देख पाते हैं जो खुद एक यंग हाई स्कूल किड था, बट वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी वियर्ड ऑफ कोर्स। वहीं रे की फियांसे अपनी थ्योरी को लेकर पुलिस तक पहुँचती है, इससे पहले ही लाइट उसको से उसकी मुलाकात हो जाती है और लाइट उसको मैनिपुलेट कर लेता है और उसकी डिटेल्स लेकर उसको मरवा देता है। लेकिन इन सब से एल को लाइट पर शक होने लगता है और वो लाइट के पूरे घर में सर्विलेंस कैमराज फिट करवा देता है, लेकिन लाइट को ये सब पता चल जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि अब अगर लाइट अचानक से क्रिमिनल्स मरने बंद हो जाएं तो भी लाइट फंसेगा। सो अब आता है पूरे सीरीज का सबसे बेस्ट सीन। ये लाइट इतना बड़ा जीनियस है कि ये चिप्स के एक बैग में डेथ नोट का टुकड़ा रख के एक हाथ से उसमें क्रिमिनल्स के नाम लिख रहा होता था और दूसरे हाथ से इक्वेशन सॉल्व कर रहा होता था। डैम, दिस सीन इज सो अमेजिंग। नाउ फाइनली जब एल को लाइट के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिल पाते तो एल लाइट के घर से कैमराज हटवा देता है और अब एल खुद लाइट के कॉलेज में पहुंचकर अपने आप को रिवील कर देता है कि वो ही एल है। लेकिन लाइट स्ट्रेटेजिकली प्ले करता है और एल से फ्रेंडशिप बरकरार रखता है, बट अब वो एल को मार नहीं सकता था क्योंकि एल ने खुद को रिवील कर दिया था। तो अगर लाइट एल को मारेगा तो सबको पता चल जाएगा। दूसरी बात ये कि एल ने अभी भी अपना रियल नेम लाइट को नहीं बताया था। अब एक न्यूज़ एजेंसी को कीरा की तरफ से कुछ वीडियोस ब्रॉडकास्ट करने की धमकी आती है, तो पुलिस ऑफिसर्स ब्रॉडकास्ट को बंद करवाने के लिए जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। और यहाँ रिवील होता है कि इस दुनिया में एक डुप्लीकेट कीरा भी आ चुका है और हम ऑडियंस एक टीनेज लड़की मीसा को देख पाते हैं जिसके पास भी डेथ नोट था। बट मीसा के पास स्पेशल सीनीगामी आईज थे, यानी ये लड़की किसी को देखकर उसका नाम पता कर सकती थी, इसलिए ये ओरिजिनल कीरा से ज़्यादा खतरनाक थी और ये कीरा की बहुत बड़ी फ़ैन थी। सीनीगामी आईज के लिए एक इंसान को अपनी लाइफ का आधा हिस्सा दे देना पड़ता है, यानी अगर किसी आदमी को अगले 10 साल तक जिएगा तो उसको 5 साल ही बचेंगे अगर उसको ये सीनीगामी आईज चाहिए तो। ये मीसा इतनी इनसेन थी और ऑफ कोर्स मोटिवलेस भी थी ये लड़की। सो फाइनली आफ्टर मेनी ट्राइज मीसा लाइट से मिलती है और दुनिया को लाइट की गर्लफ्रेंड के रूप में इंट्रोड्यूस करवाती है। लेकिन मीसा की शिनिगामी रेम उससे बहुत हद तक प्यार करती थी। लव ट्रायंगल, हाँ, रेम लव्स मीसा, मीसा लव्स लाइट, ये खैर। कुछ वक्त बाद इन्हीं बचकांड हरकतों की वजह से मीसा एल के जंगल में फंस जाती है और साथ में सस्पिशन जाता है लाइट की तरफ। यू नो लाइट बॉयफ्रेंड था मीसा का, सो ऑब्वियसली सस्पिशन जाएगा। अब टॉर्चर रूम में मीसा को बचाने के लिए लाइट मीसा के रेम को बोलता है कि वो मीसा के डेथ नोट की ऑनरशिप छुड़वा ले और रेम ऐसा ही करता है। साथ ही लाइट भी र्यूक को बोलता है कि र्यूक उसकी मेमोरीज इरेज कर दे, जिससे दोनों मीसा और लाइट लाइट डिटेक्टर टेस्ट में भी पास हो सकते थे। वहीं दूसरी तरफ रेम ये डेथ नोट लेकर एक करप्ट कॉरपोरेटर के पास पहुँच जाती है।
अब कॉरपोरेटर यानी योत्सुबा ग्रुप इस बुक का यूज़ करके अपने कॉम्पिटिटर्स को रास्ते से हटाने चाहते थे। तो अब ये इन कॉरपोरेटर वाले जो हैं, इनकी इन्वॉल्वमेंट से पुलिस को समझ में आने लगता है कि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कॉरपोरेट की तरफ मुड़ जाती है। सो लाइट इस इन्वेस्टिगेशन में एल की हेल्प करता है। अब एल अपनी टीम में दो और लोगों को रिक्रूट करता है जो कि योत्सुबा ग्रुप के अंदर जाकर वहाँ से जानकारी लीक करते हैं। इन दोनों के अलावा एक ऑफिसर भी वहाँ जाता है जो कि पकड़ा जाता है, और बचने के लिए वो अपने आप का फेक नेम बताता है और ख़ुद को मीसा के असिस्टेंट के रूप में इंट्रोड्यूस करवाता है। सो अब चाहते या ना चाहते हुए भी मीसा को इन सब में शामिल होना पड़ता है, जिसके बाद एल और उसकी पूरी टीम को योत्सुबा ग्रुप के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब जब मीसा योत्सुबा ग्रुप के ऑफिस जाती है तो मीसा का शिनिगामी डेथ नोट से एक टुकड़ा फाड़कर मीसा से टच करवा देता है, जिससे मीसा उसको देख पाती है। वहीं योत्सुबा ग्रुप का कीरा उस पकड़े गए ऑफिसर को मारने के लिए उसका नाम नोटबुक में लिखता है, बट टू हिज वेरी सरप्राइज वो मरता नहीं है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर रिम से शिनिगामी आईज वाली डील कर लेता है और उस ऑफिसर के पास जाने लगता है। पर क्योंकि एल ने उसकी कार में कैमरास फिट करवा रखे थे, इसलिए एल जान जाता है कि अब वो लोगों को सिर्फ देखकर मार सकता है। सो वो अपनी टीम को उसे पकड़ने के लिए मास्क लगा के भिजवाता है, और ऐसे योत्सुबा ग्रुप का कीरा पकड़ा जाता है। इसके बाद मिस्टर यागामी को कार की तलाशी लेते हुए डेथ नोट मिलती है, जिसको छूते ही वो रेम को देख पाते हैं। उनके अलावा टास्क फोर्स के कुछ और मेम्बर्स एल भी शिनिगामी रेम को देख पाते हैं। देन लाइट जैसे ही डेथ नोट को लाइट को पास करता है, उसको टच करते ही उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाती है, और फिर लाइट अपनी वॉच में छुपाए हुए एक डेथ नोट के पीस को निकाल कर उसमें उस कॉरपोरेटर का नाम लिख देता है, जिससे उस कॉरपोरेट वाले कीरा की डेथ हो जाती है। नाउ टास्क फोर्स वाले ऑफिस वापस आकर डेथ नोट के रूल्स को पढ़ने लगते हैं, जिसमें एक रूल ये भी लिखा हुआ था कि अगर किसी को 13 दिन के अंदर उस डेथ नोट को यूज़ नहीं करता है तो उसकी मौत हो जाएगी। अब फ्लैशबैक आती है और हम देख पाते हैं कि लाइट ने खुद और मीसा को इनोसेंट प्रूव करने के लिए ये एक्स्ट्रा रूल उस डेथ नोट में लिखवाया था, बिकॉज ये दोनों जेल में एक महीने से ज़्यादा टाइम तक थे और इसी बीच लोगों की मौत भी हो रही थी, तो ये लोग अपने आप ही इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं। वहीं उसने मीसा और अपने डेथ नोट को एक्सचेंज करवा दिया था और जंगल में कहीं मीसा के डेथ नोट को छुपा दिया था। अब लाइट मीसा को जंगल भेजता है, जहां मीसा को अपने डेथ नोट मिल जाती है, जिसको टच करते ही मीसा की सारी मेमोरीज वापस आ जाती है। इसके साथ ही मीसा को लाइट का एक नोट भी मिलता है, जिसमें लाइट ने मीसा को एल का रियल नेम नोटबुक में लिखने के लिए कहा था, पर मीसा अब एल का असली नाम भूल चुकी थी। लेकिन ये बंदी लाइट के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अपने बचे हुए लाइफ का भी हाफ पार्ट ये रियुक को दे देती है, जस्ट फॉर द शिनिगामी आईज। लेकिन जब ये लाइट से मिलने के लिए आती है, तो इससे जो प्यार करती थी रेम, इसकी वाली शिनिगामी जो थी, वो शिनिगामी इसको देखते ही समझ जाती है कि इसकी ज़िंदगी का अब हाफ पार्ट रह गया, यानी कि उसने शिनिगामी आईज खुद के लिए रख लिया है। तो लाइट के मैनिपुलेशन और मीसा की बेवकूफ़ियों को देखते हुए मीसा की शिनिगामी यानी रेम ये डिसाइड करती है कि वो खुद एल का नाम अपने डेथ नोट में लिख देगी और अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी, जिससे उसकी लाइफ मीसा को मिल जाएगी और लाइट का नाम भी हो जाएगा, सो वो शायद मीसा को अपना ले। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर ये शिनिगामी ऐसा ही करती है, और हम एल को लाइट की बाहों में दम तोड़ते हुए देख पाते हैं। तो इसके साथ ही पार्ट वन यहीं होता है ख़त्म। आगे की स्टोरी के लिए वॉच पार्ट टू। ओके बाय।